हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो सेवेंथ क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं आवर चेंजिंग अर्थ। नाम से ही पता चल रहा है हमारी अर्थ में, भूमि में किस तरह से बदलाव होते हैं वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। और जो हमारी मुख्य स्थलाकृति होती है, जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे जो रिवर्स के किस तरह से काम करती हैं, समुद्री तरंगे किस तरह से काम करती हैं, बर्फ़ की नदियाँ किस तरह से काम करती हैं, और पवन हवा किस तरह से काम करती है, ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे बोरिंग मत समझना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय इट डेफिनेटली। लेट्स स्टार्ट। द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इंटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारी लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वो बहुत सारी प्लेट से बना होता है, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो हमारी अर्थ की सरफेस की जो प्लेट्स हैं ना, बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। इतनी थोड़ी सी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूव कर गई है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मोल्टन मैग्मा किस तरह से ऊपर आता है, किस तरह से वो शेल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो मोमेंट होती है लिथोस्फेरिक प्लेट की, इस मैग्मा की वजह से होती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन एक्टिविटी। वो इस तरह से मूव करता है जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। देखो, इसे भी पढ़ते हैं, क्या है ये। सी, टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट। एज द वाटर वॉर्म्स अप, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वॉर्म लेयर ऑफ वाटर एंड देन सिंक्स बैक अलोंग द कूलर लेयर ऑफ वाटर। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। इसमें क्या है, देखो, हमने क्या किया, सपोज़ ये वाला जो गोल गोल कागज का टुकड़ा है, ये एक राउंडेड शेप में है, पेपर पैलेट है ये, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस पानी में जिस तरह से गर्मी आती है, नीचे से हम इसे गर्म कर रहे हैं तो पानी, गर्म पानी ऊपर उठ रहा है, उसी तरह से जब हमारे अर्थ में प्रेशर और हीट इंक्रीज हो जाती है सेंटर में, तो वहाँ से मैग्मा ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे ही फिर ये पानी ठंडा इधर आता है तो ये नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से हमारे मैग्मा की जो मूवमेंट होती है, हमारी पैलेट्स की मूवमेंट होती है, गर्मी की वजह से होती है। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करता है अर्थ का मैग्मा। द मोमेंट ऑफ दीज पैलेट्स को चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये पैलेट्स में जो प्लेट्स होती है ना हमारी अर्थ की, लिथोस्फेरिक प्लेट, उनकी वजह से हमारी सरफेस है, अर्थ का सरफेस, उसमें भी चेंजेस आते हैं। द अर्थ मोमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म फोर्सेस विच कॉज देम। तो जो अर्थ की मोमेंट है उसको डिवाइड किया गया है कि कौन सा फोर्स उस मोमेंट को कॉज कर रहा है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। जो हमारे अर्थ के अंदर से जो फोर्स काम करता है वो एंडोजेनिक होता है, जो बाहर से काम करता है वो एक्सोजेनिक फोर्स होता है, ठीक है। तो अर्थ का मोमेंट किस तरह होता है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स में अंदर से अचानक से फोर्स आते हैं, जैसे भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक आता है, फिर ज्वालामुखी फटते हैं, वोल्केनो जिसे कहते हैं, फिर लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, ये सडन मोमेंट होते हैं, पर है एंडोजेनिक। फिर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होते हैं, वो जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स इस तरह से होते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल जैसे होते हैं ना, बाहर के जो फोर्स होते हैं उसमें जैसे नदी का बहता जल है वो भी कुछ फोर्स लगाता है, हमारी पवन है, बहती हवा भी कुछ फोर्स लगाती है अर्थ पे, सी वेव्स भी और ग्लेशियर्स भी, हिम नदी जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं वो भी फोर्स लगाती हैं। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, ठीक है, स्लैब्स कहते हैं जिन्हें। हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है ना, उसमें जो प्लेट है वो कभी ऐसा नहीं होता कि एक जैसी शेप में है, वो किसी इंसान ने थोड़ी ना बनाई है जो उसको डिज़ाइन देगा कि सेम साइज़ की होनी चाहिए। वो इरेगुलर होती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर, जो कि हमारे महाद्वीप और महासागरों की सतहों पर टिकी हुई होती है, ठीक है। फिर है एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मोमेंट एंड एट द टाइम प्रोड्यूस मोमेंट्स। कभी कभी एंडोजेनिक फोर्स बहुत तेज
बल से होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से आता है, और कभी कभी बहुत धीरे आता है. सडन मोमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. जो बहुत तेजी से मूवमेंट होती है ना, अंदर का जो बहुत तेज मूवमेंट होता है, उससे अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, हमारी अर्थ हिलने लग जाती है. वोल्केनोस होते हैं ज्वालामुखी का फटना, लावा का बाहर आना, तो ये भी बहुत तेज भूकंप की वजह, तेज मूवमेंट की वजह से होता है. फिर है वोल्केनो इज़ द वेंट. वेल्केनो क्या है, एक एक तरह से मतलब एक छिद्र है, ठीक है, ओपनिंग है हमारी अर्थ की क्रस्ट में, थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिसके जिसमें से मोल्टन जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है. देखो यहाँ पे क्या है, मैग्मा है बहुत, यहाँ से एक ओपनिंग हो गई हमारी अर्थ में, उसकी वजह से जो हमारी गैसेज हैं और एशेज हैं वो बाहर आ रही है, मैग्मा भी इससे बाहर निकलेगा. फिर देखो ये लावा यहाँ से, ये वेंट, ये ओपनिंग होती है, इसे वेंट बोलते हैं. तो ये समझ आ गया आपको किस तरह से ज्वालामुखी फटता है, कोई भी ओपनिंग हो जाती है उसे मैग्मा बाहर निकल आता है, उसे ही वोल्केनो बोलते हैं. फिर एंडो मीन्स इनसाइड होता है, एक्सो मीन्स आउटसाइड होता है. एंडोजेनिक अगर पूरा बोलेंगे तो ये है एंडोजेनिक फोर्स, इनसाइड ओरिजिन, जिसका अंदर से ओरिजिन होता है. एक्सो मीन्स बाहर होता है, ये नाम से पता चलना चाहिए आपको कि एंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है. अब है टेक ए बीकर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज विद इट विद द लीड, पुट द वाटर टू बॉइल, नाउ पुट सम पीज स्पून एंड बीड्स ऑन द लीड. वॉट डू यू नोटिस, एज द वाटर बॉइल द लीड बिगिन टू शेक. जैसे ही पानी गर्म होता है और उस गर्म पतीले के ऊपर जो भी बर्तन रखा हुआ है, जो ढक्कन रखा हुआ है, उस पर रखी हुई चीज़ें मूव करना शुरू कर देती हैं. द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लीड ऑल्सो वाइब्रेट, वो भी चीज़ें मूव करेंगी. द बीड्स रोल राउंड एंड स्पून वाइब्रेट टू मेक ए साउंड, जो वो बीड्स हैं वो तो गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे और जो चम्मचे हैं वो आवाज़ करना शुरू कर देंगे. इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स वेन एन अर्थक्वेक अकर, इसी तरह से हमारी अर्थ जो है वो मूव करना शुरू कर देती है जब अर्थक्वेक आता है. सिमिलरली वेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, इसी तरह से हमारी अर्थ का सर्फेस मूव करता है जब हमारी वाइब्रेट जो प्लेट्स जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं, हिलना शुरू कर देती हैं. वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, जो वाइब्रेशन है पूरी अर्थ पे ही घूमता है. किस तरह से घूमता है ये समझेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ गया है. दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, ये वाइब्रेशंस को ही अर्थक्वेक कहते हैं. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, एक ऐसी जगह जहाँ से मूवमेंट शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं. प्लेट ऑन द सरफेस अबोव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, सपोज यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई है, ठीक है, तो ये तो अर्थ के अंदर है, नीचे है बिल्कुल, तो इसके ऊपर जो प्लेट है उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं. ये क्या है, फोकस है. फिर वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव, अब ये एपी सेंटर हो गया, इसके यहाँ पर भी मूव करेंगी प्लेट, चारों तरफ जो है इसके एरिया को घेर लेंगी, ठीक है. ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा वो इस एपी सेंटर के पास पास वाले एरिया में ही होगा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एपी सेंटर डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये जो स्ट्रेंथ है, जो नुकसान करने की ताकत है, वो कम होती जाएगी जैसे जैसे हम एपी सेंटर से दूर जाएंगे, ठीक है. तो ये फोकस है, दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ है. इट इज़ द ओरिजन ऑफ सेस्मिक एनर्जी, जो सेस्मिक एनर्जी है वहीं, वो यहीं पे इस फोकस पे ही ओरिजन होती है, इनका ओरिजन पॉइंट यही है. फिर इसके ऊपर वाली जो भी प्लेट्स हैं वो एपी सेंटर कहलाती है. एपी सेंटर के पास वाले एरिया में ज़्यादा नुकसान होता है. अब सपोज कई बार कहते हैं कि उसका जो सेंटर था अर्थक्वेक का वो दिल्ली था या फिर गुजरात था, है ना, तो गुजरात में ज़्यादा नुकसान होगा, उसके पास वाले एरिया में थोड़ा सा कम हो जाएगा. यहाँ पे एक और नई चीज़ आपने कभी नहीं सुनी होगी, हो सकता है नहीं सुनी हो, सुनी भी हो. There are three types of earthquake waves, P wave, S wave और L wave. तीन तरह के earthquake wave होती है. P waves जो होती है वो longitudinal waves होती है. S wave जो होती है transverse wave होती है. L waves जो होती है उनको आप Google पे search करेंगे. देखो book वाले भी चाहते हैं कि आपको search करना आ जाए, ठीक है. मुझे ज़रूर बताना आपने क्या देखा L waves के बारे में. फिर ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जो हमारा अर्थक्वेक है हम उसे पहले पता नहीं लगा सकते. द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, इसका लेकिन जो असर होता है ना अर्थक्वेक का, अगर हम पहले से थोड़े से इसके बारे में जागरूक हों तो हम पहले से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं,
ठीक है, भविष्यवाणी नहीं होती, अगर हम तैयार होंगे तो उसको कम तो ज़रूर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो समझना। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस मेथड अडोप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। जो लोकल लोग होते हैं हम जैसे, वो लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं, जो जानवर होते हैं उनका, जैसे फिश इन द पोंड गेट एजिटेटेड, जो मछलियाँ तालाब में हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, स्नेक्स कम टू द सर्फेस, जो सांप है वो सरफेस पे आ जाते हैं। देखो ये डिस्ट्रक्शन है कोज्ड बाय द अर्थक्वेक इन गुजरात, ये गुजरात में जो बहुत ज़्यादा भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा खबरों में भी रहा था। एक्चुअली ये शायद 6.9 की एक्टिविटी थी इसकी, रिएक्टर जो तीव्रता थी इसकी रिएक्टर स्केल पे वो 6.7 की थी, लगभग 6.9 की थी, तो लगभग 7 ही लगा लो। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्थक्वेक के ये लिखे हुए हैं, इनको आपने एक सीक्वेंस में लगाना है और कल्पना करनी है। यहाँ पे ये दी हुई है आपके लिए एक्टिविटी कि अगर आप स्कूल में हो, स्कूल लग रहा है, मतलब टाइम हो गया स्कूल लगे हुए, और भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना है। अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता क्या करना है ना, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। डू यू नो अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थक्वेक को कैसे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, जो रिक्टर स्केल है उस पर इसका मैग्नीट्यूड, इसका घनत्व मापते हैं, कितना घना था। अर्थक्वेक ऑफ टू और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटल, जो टू का अर्थक्वेक होता है जिसकी तीव्रता दो होती है वो बहुत ही कम महसूस होता है या ना भी हो महसूस ऐसा हो सकता है। अर्थक्वेक ओवर फाइव कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, जो पाँच का अर्थक्वेक आता है ना जिसकी तीव्रता पाँच होती है उसे नुकसान हो सकता है जब चीज़ें गिरना शुरू कर देती हैं, है ना। तो जो छः वाला होता है और इससे ज़्यादा का होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और सात जो अर्थक्वेक होता है जिसकी तीव्रता सेवन होती है अर्थक्वेक की, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये है आपका सिस्मोग्राफ जिसपे आप अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस, किस तरह से तैयार रहना है आपको अर्थक्वेक में, ये समझ लो। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, कहाँ कहाँ हमें शरण लेनी है, आश्रय कहाँ लेना है। ठीक है, सेफ स्पॉट होना चाहिए। सेफ कौन सा होता है, जैसे किचन काउंटर है, टेबल और डेस्क है, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, जो कोई दीवार के अंदरूनी कोने होते हैं ना उनमें, जैसे कई बार सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उनके नीचे कोई जगह बना देते हैं, तो ऐसी जगह पे आप छुप सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम, किस से दूर रहना है आपने, फायर प्लेसेस से, जहाँ पे कोई अंगीठी वगैरह जल रहा हो, है ना। एरिया अराउंड चिमनीज विंडोज दैट शेल्टर इंक्लूड मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, ऐसी खिड़कियाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा शीशे लगे हों, क्योंकि टूटने से कुछ भी हो सकता है, और वैसे तो क्या पता कोई मरे ना मरे, लेकिन शीशे वगैरह चुभ जाएं और सेफ्टी का कार्य जल्दी से बचाने का जल्दी से शुरू ना हो, तो ऐसे हालत में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। तो और क्या करना है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली, आपने अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको समझाना होता है, बताना होता है कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और कॉन्फिडेंट रहना होता है। ऐसे नहीं है कि आप घबरा जाएं, अगर आप घबरा गए तो बाकी सबका क्या होगा, है ना। तो आपको पढ़े लिखे की तरह बहुत अपनी जिम्मेदारी समझनी है और सबको भी हैंडल करना है। फिर है मेजर लैंड फॉर्म्स, हम आप बात शुरू करते हैं जो लैंड फॉर्म्स हैं हमारी अर्थ की, वो कौन कौन सी होती है। लैंडस्केप इज बिगिन कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस, जो लैंडस्केप होता है, जो हमारी भू मतलब मिट्टी होती है वो लगातार कम होती जाती है, दो वजह से होती है, एक तो वेदरिंग की वजह से, एक इरोजन की वजह से। वेदरिंग क्या होता है, अपक्षय, और इरोजन क्या होता है, अपरदन, मिट्टी का कटाव। वेदरिंग इज द ब्रोकन ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस, वेदरिंग क्या होता है, अर्थ सर्फेस का टूटना। ठीक है, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, अब इरोजन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वेयरिंग अवे मतलब उड़ा ले जाती है मिट्टी को हवा या पानी या फिर बर्फ, ये सारी चीज़ें मिट्टी को इस तरह से कम कर रही है। ठीक है, द इरोडेड मटीरियल इज़ कैरिड अवे एंड और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड, ये पता है आपको, जो इरोडेड मटीरियल होता है वो दूर ले जाया जाता है पानी से, कोई भी ट्रांसपोर्ट मटीरियल है, हवा से, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और वो मतलब कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है।
दिस प्रोसेस इज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, इसकी वजह से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म बन जाते हैं. नाउ डू यू नो देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल ऑन द इन द वर्ल्ड, बहुत सारे वाटरफॉल हैं मतलब जलप्रपात जिन्हें कहते हैं, ठीक है. द हाइएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, हाइएस्ट है जो सबसे ऊंचा है वो कहाँ है, एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में साउथ अमेरिका में. दूसरे वाटरफॉल है नायगरा वाटरफॉल लोकेटेड बिटवीन कैनेडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जैम्बिया एंड जिम्बावे इन अफ्रीका. और दूसरा जो वाटरफॉल है वो कहाँ है, कैनेडा में यूएसए के बीच में, इस तरह से ये वाटरफॉल्स हैं. देखो ये वाटरफॉल होता है. अब हम पढ़ेंगे कि वर्क ऑफ ए रिवर, एक अर्थ है उसका काम क्या, जो रिवर है उसका काम क्या है, ठीक है. द रनिंग वाटर इन अ रिवर इरोड लैंडस्केप, जो हमारा पानी है बहता हुआ रिवर में वो इरोड करता है, वो ले जाता है, अपरदन करता है किसका, लैंडस्केप का, भूमि का. वेन अ रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म ए वाटरफॉल, जब भी कोई रिवर जो नदी होती है वो ढाल वाली जगह से गिरती है, ठोस मैदानों से गिरती है, तो वहाँ पे वो घाटी बनाती है. ये देखिए ये जो नदी है यहाँ से गिर रही है हार्ड रॉक्स से, और यहाँ पे अचानक से नीचे गिर रही है तो क्या हो गया, हार्ड रॉक्स के नीचे गिरते ही ये वाटरफॉल की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमने पढ़ लिया. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एज द रिवर वेंट एंटर्स द प्लेन्स इट ट्विस्ट एंड रन फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स. जब रिवर जो होती है खुले मैदानों में जाती है तो ये क्या बनाती है, मेंडर्स बनाती है, विसर्प जिसे कहते हैं. ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर्स द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. अब क्या होता है, जैसे ही ये विसर्प जो है इनके किनारे लगातार अपरदन के कारण और निक्षेपण इनमें शुरू हो जाता है तो विसर्प लूप के सिरे जो हैं वो निकट आ जाते हैं, ठीक है. विसर्प लूप के सिरे, जैसे यहाँ से ये यहाँ पे भूमि जमा, मिट्टी का जमाव होना शुरू हो गया तो यहाँ पे एक अलग से एक पानी का जगह रुक गई है ना, और ये फिर आपस में मिल गए. तो यही ये समझाना चाहता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेंडर्स लूप कट ऑफ, मेंडर्स लूप जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं रिवर से और फॉर्म ए कट ऑफ लेक इज नोन एज ऑक्स बो लेक. इसको कहते हैं ऑक्स बो लेक, इसको चाप झील के नाम से जाना जाता है हिंदी में. अगर इंग्लिश में ऑक्स बो लेक याद करने में दिक्कत हो तो चाप झील के नाम से याद कर लो और फिर उसका इसको किसी तरह से मतलब एक बार तो रट लो. चाहिए ऐसी चीज़ें हैं जो ये समझने का नहीं है, ये याद करने का है. एट टाइम द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, कभी कभी जो नदी होती है ओवरफ्लो कर जाती है इसके किनारों से. दिस लीड टू द फ्लडिंग इन द नेबरिंग एरिया, जिसकी वजह से जो पास वाले एरिया होते हैं उसमें फ्लड आ जाता है. एज इट फ्लड्स, जैसे ही ये फ्लड होता है इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सैंड एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक्स, जिसकी वजह से फ्लड आने की वजह से क्या होता है अपने किनारों पे ये बहुत सारे सेडिमेंट्स छोड़ देती है, ठीक है, इनके जो मुहाने होते हैं. दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड फ्लड प्लेन, जिसकी वजह से क्या होता है समतल मैदान बन जाते हैं, फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं. द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीवीज, जो रेज्ड बैंक होते हैं उनको लीवीज कहते हैं. एज द रिवर अप्रोचिज द सी, जैसे ही नदी समुंदर की तरफ जाती है ना, अब कभी तो ऐसा भी होगा कि समुंदर में मिल जाएगी वो. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases. तो जो स्पीड है बहते हुए पानी की वो कम हो जाती है. The river begin to break up into number of streams called tributaries. अब ये नदी धीरे तो हो ही गई लेकिन ये टूट गई है कई छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, बहाव बढ़ गए हैं. जैसे यहाँ से मेन स्ट्रीम आ रही थी, अब ये इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है. तो इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपोजिट इट्स लोड. तो ये क्या करती है, इतनी धीरे हो जाती है कि ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है. इसके पास जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं पास पास में. इच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्मेट्स ऑन माउथ, हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना एक होता है. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म डेल्टा, जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का वो क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं. सो लेट्स डू इट, फाइंड आउट द नेम ऑफ फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड दैट फॉर्म डेल्टास. और जो बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ
मैं कहती हूँ उनके ना बेसिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम एक भी वर्ड को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप जो मैं बोलती हूँ ना कि आप ये बताइए डेल्टास क्या, कौन सी वीरिवर्स है जो डेल्टास बनाती है, ये आपने देखना है और कमेंट करके लिखना है ज़रूर, ठीक है। आप ये सोच लो कि मैम को भी नहीं पता तो मैम को हम बताना चाहते हैं, शेयर करेंगे नॉलेज हमारी बढ़ेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। फिर हम सी वेव्स को देखते हैं। देखो मैं एक बार इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे समुद्र की हम वेव्स चलती हैं तो इस तरह से चट्टानें पड़ी होती हैं, है ना, पानी में, समुद्र में, तो ये पानी से टकराती हैं, कभी कभी वो टकराते टकराते कोई जगह बना लेती हैं। देखो यहाँ पे एक जो चट्टान सपोज यहाँ पे कमज़ोर रही होगी या कुछ भी वजह रही होगी, बार बार यहाँ पानी टकराया है तो यहाँ पे एक केव जैसा बन गया जिसे सी केव कहते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से एक आर पार नज़र आने वाली जगह बन गई तो उसे सी आर्क कहते हैं, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि बार बार पानी टकराने की वजह से यहाँ वाला एरिया भी यहाँ से डिसअपीयर हो गया तो इसको ये अलग से एक इस तरह से दिखने लग जाएगा, एक ये दिखने लग जाएगा, इस तरह के एरिया को स्टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो हम देखते हैं कि सी वेव्स का क्या काम होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। इसकी वजह से जो सी वेव्स होते हैं उसके कोस्टल लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जिसकी क्या कहते हैं, समुद्री तरंगों के निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनती है, ठीक है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स होती हैं लगातार रॉक से टकराती रहती हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, मैंने बताया था आपको, मतलब उसमें से टूट फूट भी हो जाती है। ओवर टाइम दे बिकम लार्ज एंड वाइडर। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। रॉक्स में जो चट्टाने होती हैं उसमें केव्स बन जाती हैं खुली खुली, ठीक है। दे आर कॉल्ड सी वेव्स, उनको सी वेव्स कहते हैं। एज दिस कैविटी बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन द फॉर्मेशन इज कॉल्ड आर्चेस। जो हमने पढ़ा था ना कि इस तरह से जो केव बन गई, सपोज एक बार केव बन गई तो वो केव्स क्या हो जाती है, और भी चौड़ी चौड़ी होती जाती हैं और वाइडर होती जाती हैं, बिगर होती जाती हैं, जिसकी वजह से सी आर्चेस बनते हैं। ये देखो सी आर्चेस, ये वाला ये बन गया ना, तो केव आर पार दिखाई दे रही है तो आर्क की तरह बन गई है। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। दिस स्मॉल वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। देखो कभी कभी ये इरोजन इतना ज़्यादा हो गया कि उसने उसकी रूफ को भी तोड़ दिया, जो आर्क बनी थी ना उसकी रूफ को यहाँ से तोड़ दिया, तो ये अलग से इस तरह से बन जाएगा, इसको स्टैक्स बोलते हैं, यही बताया हुआ है इसमें। फिर द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबोव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। इसको क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर लगभग अर्धवर्त ये क्या कहते हैं, वर्टिकली जो राइज होता है उसे समुद्र भृगु कहते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। जो सी वेव्स होती हैं उसमें उससे जो सी के डिपोजिशन होती है, सेडिमेंट्स होती हैं, वो सी शोर पे जमा हो जाती हैं जिससे बीच बनते हैं। अब हम इसी तरह से बर्फ़ का काम समझेंगे कि बर्फ़ किस तरह से काम करती है। देखो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स जब भी बात करते हैं ना तो आप समझ जाया करो कि ये बर्फ़ की नदियां हैं। विच टू इरोड एंड द लैंड फॉर्म बाय, जो क्या करती हैं वो लैंड फॉर्म को इरोड करती हैं, मतलब वहाँ से मिट्टी को काट के लेके जाती हैं। बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। जिसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे की सॉलिड रॉक्स होती है ना, क्योंकि पहाड़ों पे ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो वहाँ की मिट्टी तो बह के चली जाती है, तो सॉलिड रॉक्स एक्सपोज हो जाती हैं, बर्फ़ के कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं। ग्लेशियर्स क्या है, रिवर ऑफ आइस, है ना। ग्लेशियर्स को आउट डीप होलोज देयर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर गहरे गहरे गर्त बन जाते हैं, ठीक है। एज द आइस मेल्ट दे फिल्ड अप विद वाटर। जैसे ही पानी बर्फ़ पिघलती है तो पानी बन जाता है वहाँ पे, और ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं माउंटेन्स पे, जो पहाड़ होते हैं उन पे ब्यूटीफुल लेक्स दिखती हैं आपको। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बीक्स एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड। अब क्या होता है कि जो मटेरियल होता है जो ग्लेशियर्स लेके आती हैं, बर्फ़ की नदियाँ लेकर आती हैं, रॉक्स है, मिट्टी है, छोटे बड़े कोई भी चीज़ें हैं, दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स। इनको क्या कहते हैं, हिमनद हिमोड कहते हैं, ठीक है, ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्क ऑफ विंड। हमारे
हाँ से काम करती है। देखो हवा तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई मशीन बना दी वो लेके जाएगी, तो वो तो एक फिक्स पोजीशन से उठाएगी और फिक्स पोजीशन पे रखेगी। अब हवा है, कहीं कहीं इस तरह से ढेर बना देगी, कहीं कहीं छोटे बना देगी, तो इस तरह से क्या होगा, हमारी हवा मिट्टी के ढेर लगाती रहती है। दूसरा एक चीज़ और मैं समझा दूँ इसको पढ़ाने से पहले, सपोज़ कि एक चट्टान पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर आप कुछ करते हो तो आप अपने तरीके से करते हो। अब हवा क्या है, ज़मीन के पास पास ज़्यादा तेज़ी से बहती है, यहाँ तेज़ी से बहना शुरू हो जाएगी हवा, यहाँ से ये क्या है चट्टान कटना शुरू हो जाएगी, तो ये किस तरह से अपीयर होगी थोड़े दिन में, यहाँ से नीचे से तो पतली हो जाएगी और ऊपर से इस तरह की हो जाएगी, तो चट्टानें इस तरह से दिखेंगी आपको हमेशा। आप देखना कोई भी डेजर्ट है, कोई भी रेगिस्तान है, उसमें इस तरह की चट्टानें दिखेंगी। इनको क्या कहते हैं, इनको मशरूम रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि काम क्या है विंड का। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या कभी आपने डेजर्ट में विजिट किया है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यून्स, जो मिट्टी के जो वो होते हैं ना बालू के टीबे, उनको उनकी फोटोज ले लो। एन एक्टिव एजेंट ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, ज़्यादातर यहाँ पे इरोजन हवा की वजह से होता है क्योंकि बारिश तो कम ही होती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, मैंने बताया ना कि डेजर्ट में आप मशरूम की तरह रॉक्स देखते हो, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इनको ज़्यादातर मतलब मशरूम रॉक्स कहते हैं, है ना, साधारण भाषा में। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट, जो विंड होती है वो ज़्यादातर लोअर सेक्शन जो होता है रॉक्स का, चट्टान का, उसी को इरोड करती है, अपर पार्ट को नहीं करती। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप, इस तरह से रॉक्स का बेस जो होता है नैरो होता है और टॉप जो होता है वो वाइडर होता है। When the winds blow, it lifts and transports sand from one place to another. जब हवा चलती है तो ये मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in lower hills. जब ये क्या करती है, हवा बहना बंद करती है, तो वो ऐसे तो नहीं लेकर जाएगी मिट्टी को, वो लोअर हिल्स में लेकर जाएगी, लाइक हिल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब जो थोड़े से गहरे होते हैं वहाँ ले जाती है, इससे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। When the grains of sand are very light and small, जब fine grains होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो the wind can carry it over very long distance, तो हवा इनको बहुत दूर तक ले जा सकती है ना, हल्की चीज़ को तो दूर तक ले जाएगी। When such sand is deposited in large areas, जब ऐसी sand बड़े area में ले जाई जाती है तो उसे loess बन जाते हैं, ठीक है, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है loess, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना, चाइना में बहुत बड़े बड़े लॉयस बनते हैं, आप देख सकते हो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और बोरियत आपकी कम से कम ख़त्म हो गई होगी ज्योग्राफी से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे, लाइक ज़रूर कर देना, और पिछली वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी उसके लिए सो सॉरी, मैंने जल्दी में अपलोड कर दिया, मुझे लगा आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इसीलिए ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं चेक करके ही करूँगी। लेकिन आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उससे मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, और जितने ज़्यादा लाइक आते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी मेरी बढ़ रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माई ईच एंड एवरी वीडियो, थैंक यू।